जगत न्यूज 24 में आपका स्वागत है। लूट की घटना कारित कर भाग रहा शातिर बदमाश, पुलिस मुठभेड़ में घायल। लूटी गई स्कूटी, नकदी एवं अवैध असलाह कारतूस बरामद। 19 मई 2022 की रात्रि करीब 2:30 पर समस्त थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों हेतु क्षेत्र गश्त सघन चेकिंग कराई जा रही थी। इसी दौरान थाना चिरगांव क्षेत्र के अंतर्गत छिनौरा पुल के पास थाना चिरगांव पुलिस टीम को दो व्यक्ति एक स्कूटी व मोटरसाइकिल पर अलग अलग आते दिखाई दिए, तो पुलिस टीम को देखकर अपनी अपनी गाड़ियों को तेज कर वापस भागने का प्रयास करने लगे। संदेह होने पर पुलिस द्वारा पीछा किया गया तो आगे कुछ दूरी पर स्कूटी फिसल कर गिर गई। पुलिस पार्टी को अपने पास आता देख बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा हेतु जवाबी फायर किए गए, जिससे अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है तथा अन्य दूसरा साथी अंधेरे का लाभ पाकर भाग गया। पूछताछ पर अभियुक्त ने अपना नाम वीरेंद्र सिंह, पुत्र संतोष सिंह, निवासी प्रताप का डेरा चिरगांव थाना चिरगांव जनपद झांसी बताया है। भागने का कारण पूछने पर बताया कि उन दोनों ने मिलकर कुछ समय पहले समय करीब 12:30 पर चिरगांव पेट्रोल पंप के पास एक युवक से स्कूटी व रुपए लूटे थे। पकड़े जाने के डर से भाग रहे थे। अभियुक्त उपरोक्त थाना चिरगांव का टॉप 10 अपराधी है, जिसके विरुद्ध जनपद में एक दर्जन से अधिक गंभीर धाराओं के तहत अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त के कस्बे से बरामद की लूट से संबंधित रुपए बरामद हुए हैं। लूटी हुई स्कूटी UP 93AJ 5240 इसका नंबर है, एक तमंचा, 315 बोर, दो खोखा तारतूस, जो दो जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। अनिल कुमार शर्मा, झांसी। आपको बता दें कि रात्रि चेकिंग के दौरान दो स्कूटी सवार युवकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जो रुकने की जगह फायर करने लगे। बदले में पुलिस ने भी फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में जो बदमाश है उसकी गोली लगी। पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि पिछले दिनों हुई लूट में वो वांछित था, साथ ही साथ लूटी हुई स्कूटी, पैसे, तमंचा उससे बरामद हुआ है। लगभग एक दर्जन के आसपास संबंधित जो युवक था उसके ऊपर आपराधिक कृत्य किए हुए थे, उनका मुकदमे दर्ज थे। तो पुलिस ने उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको पैर में गोली लगी है। शेष जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध हो रही है।